बढ़ गए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 5000, ठीक, इट इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, इट डिक्रीजेस बाय 20% इन सेकंड ईयर एंड इन थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। मतलब यहां पे ना क्वार्टरली का बात हुआ है, ना हाफ ईयरली का बात हुआ है, ना एनुअली बात हुआ है, तो क्या 3 नंबर ऑफ इयर्स। तो इसको निकालेंगे कैसे, यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ वाला फॉर्मूला, जो कि क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 R1/100 इनटू 1 + R2/100, ये हमने लिखा था। अब यहाँ पे क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, यहाँ पे फिर से आएगा 1 + R3/100। बट एक चीज ध्यान देने लायक है, यहाँ पे क्या बोला है, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे ये जो प्लस है ये इंडिकेट करता है इंक्रीज, सेकंड में ये डिक्रीज हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे आर टू के पहले आएगा माइनस, वही थर्ड में फिर से इंक्रीज हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस यूज का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पे बस पुट द वैल्यू, कितना आंसर पुट द वैल्यू क्या कहेगी, हमारे पास पॉपुलेशन कितना गिवन था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 5000, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 10%, तो 10/100, सेकंड ईयर घटा कितने से 20% से, और फिर से तीसरी बार बढ़ा कितने से 30%, क्लियर। यहाँ पे बस सिंप्लीफाई करके आंसर निकल सकता है, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगा, 5000 इंटू 100 प्लस 10 इज 110 डिवाइडेड बाय 100, सिमिलरली 100 माइनस 20 इज 80, 80 डिवाइडेड बाय 100, 130 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो बटा अपने अपने न्यूमरेटर्स के साथ, अब तीनों का एक एक जीरो बटा इन तीनों के साथ, बस अब सबके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो फाइनली 5 इंटू 8 कितना होता है, 5 8 जा 40, 40 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पे आ गया बात 11 13, अगर आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 का ट्यूटोरियल देखा होगा तो आप झट से आंसर निकाल सकते हो, कैसे 40 इंटू 143। अब सिंपल सा मैथमेटिक्स है, क्या करेंगे, ये जीरो जैसा का वैसा, 4 3 12 कैरी 1, 4 4 16 + 1 7, 4 1 4 + 1 5, तो आंसर कितना आया 5720।